होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं ये सोचती हूँ कि जैसे नया साल आ गया है तो कुछ नया होना चाहिए ना, तो अब क्या नया होना चाहिए? यू शुड नो व्हाट इज इन ट्रेंड एंड इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू व्हाट इज ऑन ट्रेंड सो दैट यू बी परफेक्टली ऑन योर गेम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड डू सब्सक्राइब, हिट योर नोटिफिकेशन बेल, लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी विंटर्स चल रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि जहाँ आप हैं वहाँ पे ऐसा विंटर वाला वेदर हो, लेकिन मोस्टली सब जगह विंटर है। तो विंटर्स की बात करते हुए मैं आपको बोलूँगी कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो पफर जैकेट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पफर जैकेट जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहना हुआ है, सो दीज आर ऑन ट्रेंड। ओवरसाइज हो या स्लीवलेस हो, किसी भी तरीके की हो, ज़्यादा हो फिलिंग वाली, पूरी अच्छे से पफ्ड हो या फिर ऐसे स्लीक हो, कैसे भी हो, यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड पफर जैकेट एंड बी ऑन ट्रेंड। पफर जैकेट्स आर अ इन थिंग नाउ। आपने कितने भी फैशन शोज देखे होंगे, किसी भी मैगजीन में, हार्पर बाजार, एवरीवेयर इट्स ऑन ट्रेंड। एंड इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन वन, दिस इज द राइट टाइम। यू डोंट हैव टू शेल अ लॉट ऑफ मनी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट पफर जैकेट इज कि कितनी भी ठंड होना, इससे एक पफर जैकेट पहनने के बाद यू आर सॉर्टेड। इट कीप्स यू रियली रियली वॉर्म, स्पेशली फॉर किड्स ऑल्सो। सो आई थिंक पफर जैकेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। और अभी ये कहीं जाने वाला नहीं है, सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन वन, रेस्ट अश्योर्ड कि अभी ट्रेंड यहीं पर रहेगा, क्योंकि ये पिछले साल से चल रहा है एंड इज गोइंग टू कंटिन्यू इन दिस ईयर एज वेल। सो इन्वेस्ट इन वन एज सून एज पॉसिबल। स्टॉप अगेन ऑन द सेम ट्रेंड अबाउट द विंटर्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट। सो ओवरसाइज स्कार्व्स, कैसे भी स्कार्व्स जो थोड़े से पहले हम पहनते थे बड़े स्लीक से, एक नेक के अराउंड एक एक्सेसरी की तरह, या अपने बैग में टांग लेते थे साइड पे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर आउट द विंडो। नाउ इट्स द टाइम फॉर चंकी स्कार्व्स। जो चंकी हैवी स्कार्व्स होते हैं अब उनका टाइम है। सो ऐसा एक स्कार्फ बड़ा सा कोई भी, आप मेरे पास ये मल्टी कलर्ड है, सो यू कैन जस्ट रैप इट अराउंड योर नेक लाइक सो एंड यू आर गुड टू गो। एक तो ये आपको वार्म रखेगा, प्लस आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्कार्व विच आर इन। आई हैव दिस टू टोन्ड वन, यू कैन बाय एनी विच यू लाइक, ब्राइट कलर्स आर इन दीज डेज। तो एनी ऑफ सच स्कार्व विच आर चंकियर, बल्कियर एंड विल कीप यू वार्म आर ऑन ट्रेंड। स्पेशली इट लिव्स योर आउटफिट, मतलब अगर आपने एक प्लेन बेसिक आउटफिट पहना हुआ है, न्यूट्रल्स पहने हुए, जस्ट वेयर अ nice bright scarf, red, pinks, blues, fuchsias, any color, and it will immediately uplift your outfit like this. Oversized is one thing which you have to keep in mind, and oversized scarf ki tarah hi oversized blazers, jackets are in on trend. तो जितने आप हैं, अगर उससे बड़ा भी आपने ले लिया है, अगर इफ़ यू आर एम एंड यू आर बाइंग अ एल और उसको अगर आप पहन रहे हैं, तो भी इट बिकम्स एन ओवरसाइज। सो यू जस्ट डोंट हैव टू बाय समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, ऐसे भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स द वे यू कैन डू इट। एंड आई ऑल्सो थिंक कि ओवरसाइज जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग होने की वजह से यू गेट अ बेटर कवरेज, यू आर मोर कुकून, तो आपको ठंड भी कम लगती है। सो इट्स वन एरो एंड इट्स शूटिंग ऑन द टू पॉइंट्स विच इज कीपिंग यू वार्म एंड कीपिंग यू ऑन ट्रेंड। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट। सो इट कैन बी पफर्ड ऑल्सो, बट इफ इट इज नॉट, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लॉन्ग ब्लेजर्स, ओवरसाइज ब्लेजर्स विच आर लिटिल ब्रॉडर एंड लिटिल समथिंग विच इज अगेन, नेक्स्ट अप इज समथिंग विच इज अगेन ऑन ट्रेंड, इज काइंड ऑफ टाइड अप। सो यू कैन टाई अप योर ब्लेजर और गिव इट अ बेल्ट, बिकॉज टाइड अप इज अनदर ट्रेंड विच इज गोइंग टेकिंग राउंड्स। आप किसी भी आउटफिट में अगर इसको ऊपर आप रोप्स टाई कर रहे हो, फैब्रिक रोप्स आई मीन टू से, लाइक अ बेल्ट, और इफ यू आर टेकिंग अ wrap around dress, that is in these days. So if you are wrapping your oversized jacket with a belt or you're tying it with a rope belt, it is going to make a statement. You are doing two trends at the same time. So yet again, you are following two trends which are very in, or hamare paas belts bhi hote hain, aur kai bari hum log ne aise oversized coats khareede hain jo abhi hamare
पीछे शेल्फ में रखे हैं, बट नाउ इज द टाइम टू ब्रिंग इट आउट एंड रॉक द ट्रेंड. न्यू ईयर एंड न्यू थिंग्स, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन अ ट्रेंड नाउ, बिकॉज हर एक फेस्टिवल अब आता चला जाएगा, वन आफ्टर द अदर. पीपल विल हैव देयर बर्थडेज एंड यू विल हैव टू गो एंड अटेंड पार्टीज एंड एवरीवेयर यू विल हैव टू बी present, and what you have to wear on those parties, any party dress which is sequenced or any jacket which is sequenced is again in trend. So agar aap sequence material already buy kar chuke hain, go get it stitched. It is the correct point to get it stitched, kyunki ab wo ek trend ban chuka hai. Har cheez jo sequence mein hai bahut chal rahi hai. I have bought a jacket recently, wo multicolored hai, but specially silver or sequence, anything shiny in silver is on point right now. तो अगर आपने लेना है तो I would suggest buy something in silver or anything that is shiny, shimmery sequence is completely something which 2022 people are going to see everywhere. It is going to just be in your face because अभी Harper Bazaar में या कैटवॉक्स में जितने भी अच्छे डिजाइनर्स हैं, इवन मस्किनो एंड ऑल, एवरीबॉडी इज डूइंग समथिंग और द अदर इन दीज सीक्वेंसेस एंड शाइनी शिमरी स्टफ. सो अगर आपने अभी नहीं लिया तो दिस इज द टाइम टू बाय इट. निटवेयर्स आर नॉट समथिंग विच आर ओल्ड पीपल वेयर टू कीप देम वॉर्म. इट इज समथिंग विच पीपल बिलीव कि आप बहुत बोरिंग लगते हैं, बट आई थिंक इट्स really on trend right now. और knitwears will obviously keep you warm. ऐसा है कि knitwears घर में भी लोग बनाते थे पहले, they used to knit at home, but आजकल आपको सब कुछ available है market में, so buy good knitwears and they are on trend right now, especially the ones with the cutouts. So first is knitwear and then knitwear with cutouts is again something in cutouts which is going on and on since last year also. तो आपके आउटफिट्स हो, आपके स्वेटर्स हो, जैकेट्स हो, नेटवेयर हो, कुछ भी हो, अगर उसमें कटआउट है, इवन आई हैव सीन मॉडल्स वेयरिंग कटआउट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट यू डोंट हैव टू गो सो एक्सट्रीम. आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से वेयर कर सकते हैं. तो आई हैव सच स्वेटर्स जिसमें बैक कटआउट है एंड थोड़ा शोल्डर्स का कटआउट है. सो दोज थिंग्स विच यू हैव केप्ट असाइड कि अब शायद इसका ट्रेंड नहीं है, दे आर कमिंग बैक. इफ यू आर हैविंग दोज थिंग्स इन योर ट्रंक्स, जस्ट टेक देम आउट एंड दिस इज द टाइम टू वेयर इट. तो दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट फैशन, वट एवर गोज आउट कम्स बैक इन सम अदर ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपको कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है. इन्वेस्ट इन गुड पीसेस, स्टेपल पीसेस, एंड देन यू कैन जस्ट जैज इट अप विद दीज एसेसरीज. समटाइम्स अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं एक्सपेरिमेंट करना है, बाय वन स्वेटर, सी हाउ इट लुक्स ऑन यू एंड यू डोंट हैव टू गो एक्सट्रीम्स. आप कम रखें. जो ऊपर एक आजकल स्वेटर्स चले हुए हैं, दे आर ऑन अ कटआउट बेसिस, यू जस्ट हैव दो स्लीव्स एंड रेस्ट देर इज नथिंग. सो नीचे आप कुछ अपना शेयर, अगर आपका ये इस तरह का स्लीव्स है तो आप नीचे टी शर्ट पहन सकते हैं विद नो स्लीव्स एंड यू कैन पेयर इट अप. आई विल जस्ट इंसर्ट एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन सो दैट यू डोंट हैव टू इमेजिन. यू विल हैव एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया हाउ यू कैन रॉक इट. सो कटआउट्स आर बेसिकली द थिंग दीज डेज एंड निटवेयर्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर अवे फ्रॉम यू एनी टाइम सून. Oh, we have covered the top part. Now let's head towards the bottoms. So bottoms में आप अब एक bad news कह सकते हैं, क्योंकि अब आपके जो pencil pants थे वो अब they are going out of the trend. The flared ones are coming back. तो bell bottoms जो पुराने 70s में चलते थे अब वो फिर से वापस आ गए हैं. So if you have to buy something in bottom wear, buy flared, buy straight square pants और वो आजकल इन होंगे और दे आर लुकिंग वेरी लाइक एक्सीलेंट. आजकल जितने भी आप रेड कार्पेट्स देखो, पीपल आर रॉकिंग द फ्लेयर पैंट्स एंड नॉट जस्ट द फ्लेयर पैंट्स, दे आर इन वेरी बोल्ड एंड ब्यूटिफुल कलर्स, रेड्स, पिंक्स. और अगर आप इतने बोल्ड कलर्स नहीं लाइक करते हो तो यू कैन वेयर इन लाइलैक्स, इन pale pastel color. After that, what is taking ground in the fashion circle are leather, or if you don't want to go that way, pleather pants. या कोई भी आप bottom wear ले रहे हैं तो leather is very in. But I cannot rock it since I don't think my body
looks very flattering in leather pants. So anybody who does think that their body looks better in leather pants, then obviously you can go in for that. But until unless you are a certain shape, I don't think it looks very flattering. So that is something I personally I cannot wear. But if you have the body, rock it. So, denims mein ya jeans mein, my personal pick is mom jeans ya fir high waisted jeans ya jo jeans mere टमी एरिया को नहीं शो करती. बट अब ट्रेंड चेंज हो गया है और पीपल आर कमिंग इन विद लो राइज जीन्स. एवरीथिंग लो, वेदर इट्स अ स्कर्ट और इट्स अ डेनिम और पैंट्स, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑन टू द लो राइज एरिया और आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट. बट यही ट्रेंड है और इफ यू अगेन आई विल से इफ यू हैव द बॉडी यू कैन रॉक इट, गो अहेड एंड डू दैट. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन देन ऑल्सो यू शुड रॉक इट, यू शुडंट बॉदर अबाउट इट. सो स्कर्ट्स आर बैक बट ज़्यादा फैब्रिक नहीं यूज कर रहे वो लोग. सो माइक्रो मिनीज आर इन एंड आई थिंक दे आर अ गुड ट्रेंड एंड आई रियली लाइक मिनीज. बट माइक्रो मिनीज आई एम लिटिल स्केप्टिकल बट दे आर मेकिंग राउंड्स अगेन. और आप देखो रनवेज में सब जगह एवरीबडी इज रॉकिंग इट एंड लुकिंग स्मैशिंगली हॉट. बट Again, it's something which I'm not very comfortable in. But हाँ, अगर winters में आप you're wearing it with a stocking and with an oversized coat, को कुछ पता भी नहीं चलेगा. So, what the heck, you go ahead and wear whatever you want to wear. So, micro minis, minis are something which are taking a lot of space on the magazines these days. And next in the skirt realm is pleated skirts. Plaids, they are again very much in demand. Everybody is going in for the pleated look. And जो हम लोग स्कूल में pleated skirts पहनते थे उसी तरह का कई सारा variation अब आ गया है. ऊपर से थोड़ा सा fitted and then it's on a pleating. And I have bought certain things अभी recently. उनमें से कई ऐसी चीज़ें are on trend and I have really bought it. तो मुझे लगता है कि हाँ, pleated skirts especially plaids are also taking पीपल्स फैंसी और काफ़ी इन है. और अगर आप चाहते हो कुछ स्कर्ट्स में इन्वेस्ट करना सो गो इन फॉर द प्लीटेड वन. पर्टिकुलर ट्रेंड आई रियली लाइक, पता है क्यों? क्योंकि बड़ा किफ़ायती किस्म का ट्रेंड है. सो दिस इज ड्रेस ओवर पैंट्स. सो इफ यू हैव पैंट्स एंड यू ऑल्सो हैव ड्रेसेस, वाई नॉट पेयर देम? आई मीन हाउ इकोनॉमिकल इज दैट? सो यू जस्ट हैव टू मेक लाइक अ कॉर्ड. आप मैचिंग करोगे जैसे सलवार सूट होता है उस तरीके का सोचो. सो एनीथिंग विच मैचेस योर बॉटम एंड योर टॉप. आप अगर मार्केट में जाओगे सो दीज थिंग्स इंडियन डिजाइनर्स आर ऑल्सो मेकिंग सच ब्यूटिफुल पीसेस. शर्ट ऑन पैंट्स सो दे आर लिटिल लॉन्गर इन लाइक जो शर्ट से वो थोड़े लॉन्ग है क्योंकि वो दे आर काइंड ऑफ अ ड्रेस. तो आप कह सकते हो इट्स अ ड्रेस ऑन पैंट. तो ड्रेस ऑन पैंट ट्रेंड इज वेरी इन राइट नाउ. उसका शेप जरूरी नहीं है कि ए लाइन हो या फ्लैट हो, इट कैन बी एनी. बट इट इज समथिंग विच इज लिटिल डिफरेंट बिकॉज वो जो पैंट्स हैं वो थोड़े से स्क्वायर पैंट्स हैं और आपके जो ड्रेसेस हैं वो आपके नी लेवल तक हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ होल कवरेज दैट यू गेट. एंड विंटर्स में इट्स रियली कन्वीनियंट टू वेयर समथिंग लाइक दिस विच इज़ गिविंग यू लॉट ऑफ कवरेज एंड मेकिंग यू लुक ट्रेंडी. सो या गो इन फॉर ड्रेस ऑन पैंट. माई ओपिनियन द एसेसरी विच गोज विद एवरी आउटफिट इज फुटवेयर. और फुटवेयर में प्लेटफॉर्म्स आर बैक. यस, और मेरे फेवरेट है प्लेटफॉर्म्स. इट्स वेरी कम्फर्टेबल. पॉइंटी हील्स में आपके बैक का तो बुरा हाल हो जाता है. सो आई रियली लव प्लेटफॉर्म्स. एक आपको हाइट दे देते हैं, मुझ जैसे शॉर्ट बंदों के लिए तो बहुत अच्छा है. आई एम नॉट वेरी टॉल, आई एम 5'3½. तो मेरे लिए तो इट्स गुड इफ आई गेट सम हाइट. लगता है कि प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड एंड वेरी ट्रेंडी. यू कैन हैव सो मेनी थिंग्स ऑन प्लेटफॉर्म्स. तो सैंडल स्टाइल हो या ओपन टो हो या कोई भी आपका स्टाइल हो शूज में बूट्स में, प्लेटफॉर्म इज गोइंग हे वायर. तो अगर आपको प्लेटफॉर्म में लेना है तो आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो. पर आजकल बूट्स मुझे लगता है कि इफ यू आर बाइंग समथिंग गो इन फॉर बूट्स. एक तो प्लेटफॉर्म हो गया, दूसरा एक
कम्फी जो हम लोग अभी सब घर में लॉकडाउन में ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठे हुए थे. सो नाउ वी आर प्लानिंग टू स्टेप आउट लिटिल बिट. फिर से कुछ ओमिक्रोन और दुनिया भर के वायरस का जो वेरिएशन चल रहा है, बट स्टिल लिटिल बिट वी कैन गो आउट. और हम इतना ज़्यादा हील की तरफ नहीं जा रहे, तो वी आर स्टिकिंग टू आर कम्फी जोन एंड वी आर स्टिकिंग टू लोफर्स. जो पहले हम लोग सोचते थे कि सिर्फ स्कूल कॉलेज में जाने वाले जो लाइक टीन्स हैं वही पहन रहे हैं, बट नो, एवरीबडी इज रॉकिंग इट एंड पीपल आर वेयरिंग अग्स ऑल्सो. सो दैट्स अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू वेयर अग्स, बट अग्स आर कमिंग इन लॉट ऑफ स्टाइल्स. बट एज ऑफ नाउ लोफर्स आर समथिंग विच आर लुकिंग वेरी क्यूट एंड आई ऑल्सो रॉक देम एंड योर्स ट्रूली आई रियली लव देम. और मुझे वो ट्रेंड बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अभी जो मेरे टेपर्ड पैंट हैं उनके साथ मैं पहन रही थी, बट अब फ्लेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो आई ऑल्सो हैव टू शॉप आफ्टर दिस वीडियो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमने काफ़ी चीज़ें ले ली, तो अब थोड़ा सा और एसेसराइज करते हैं अराउंड दिस एरिया. सो यू कैन सी आई एम रॉकिंग इट, दीज आर द पर्ल्स. एंड आप किसी भी तरीके से पर्ल्स को अपने आउटफिट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. लेयर्ड पर्ल्स नेकलेसेस पहन सकते हैं, एक चंकी चोकर पहन सकते हैं, ब्रेसलेट्स में पहन सकते हैं, रिंग्स में पहन सकते हैं. यू कैन हैव अ वेस्ट बैंड, आजकल बहुत अच्छा लग रहा है. कई सारे इंडियन डिजाइनर्स ने बहुत सुंदर सुंदर पर्ल ब्रेसलेट्स और वेस्ट बैंड्स बनाए हैं. आई विल लिंक इफ यू वॉन्ट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन लुक फॉर इट. एंड मतलब अगर आप नहीं बहुत ज़्यादा करना चाहते तो ऐसे छोटा सा एक ईयर पीस आप कुछ भी ले सकते हैं. सो पर्ल्स आर नॉट दोज दादी माँ टाइप पुराने पर्ल्स जो आप सोचते हो. आजकल छोटे बड़े पर्ल्स का भी नेकलेस मिक्स करके बहुत अच्छा बन रहा है. तो नेक्स्ट अप आर बरेज. सो बरेज आर रियली इन, आई विल इंसर्ट वन ऑफ माई पिक्चर्स हियर. तो स्पेशली मार्केट में इस समय रेड बरे का इतना डिमांड है कि एक पॉइंट पे मार्केट में बरेज ख़त्म हो गए थे रेड. तो अगर आपने ये सोचा है कि नहीं ये सिर्फ पेरिस का ही एक ट्रेंड है और अगर पेरिस जा रहे हो तो वही पहनोगे, ऐसा नहीं है. एवरीबॉडी इज रॉकिंग इट एंड लुकिंग सुपर शीक, सो व्हाई नॉट यू. सो आई रियली लव बरेज एंड इफ यू डू टू जाके मार्केट में देखो, ट्राई करो. अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताना, हाँ रेड वाला काम मिल रहा है मुझे भी चाहिए. सो विद दैट आई जस्ट रैप इट अप. आई होप आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग टू बी ऑन पॉइंट. अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ें हैं और अगर आपको लगता है कि इस टाइम आप बाहर जाके और पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते या नहीं आपको लगता है दिस इज द करेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आई हैव लिस्टेड विच यू कैन ऑलरेडी टेक आउट ऑफ योर ट्रंक्स एंड just redesign it and wear it. And don't forget tagging on Instagram, matlab mera handle aap yaad rakhna, ratlo all things beautiful by Sakshi. I'll write it on the screen. Follow me and show me your love, subscribe, hit that notification bell, and until next time take very good care of yourself. Hope you have an amazing life ahead. Khub acha acha saal aapka bite and keep showering your love. Bye-bye.